हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है संजीता गुजरी व्लॉग में। तो व्लॉग शुरू होने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो आज का व्लॉग सफाई का है, क्लीनिंग का है। तो आप सब भी लग रहे होंगे दिवाली की क्लीनिंग में, मैं भी लग चुकी हूँ और बहुत काम हो गया। आज सुबह 6 बजे से लगी हुई और रात को 11 बजे जाके निपटी हूँ। तो एक बार सफाई शुरू हो जाती है तो पूरे घर की ही करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने भवि को दे दी है रोड क्लीन करने के लिए, और थोड़ी सी इसकी भी तबीयत ऐसी ही हो रखी थी। और पीहू हो रखी है गुस्सा, पीहू को कॉलिन चाहिए साफ़ करने के लिए। खिड़की साफ़ करनी है इसको और ये साफ़ नहीं कर पाती है, लेकिन इसको पता नहीं क्या है, कॉलिन इसको चाहिए ही चाहिए। और कॉलिन इसके हाथ में लग जाता है तो फिर ये फ्रिज खिड़कियाँ सब साफ़ करने में लग जाती है और इससे बिल्कुल नहीं हो पाते हैं। तो बस अभी मैं जो ये रॉड है हॉल की, ये निकाल रही हूँ और ये बड़े आराम से निकाल रही हूँ, क्योंकि एक बार मैं इसको निकालते हुए गिर भी गई थी तो डर लगता है चढ़ते हुए। और ये काम मुझे ही करने होते हैं क्योंकि इनका ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पाती है। पिछली बार तो इन्होंने मेरे साथ जब भी थोड़ी बहुत हेल्प करा दी थी, लेकिन इस बार मैं अकेली पड़ गई हूँ। खुल गई तो ये उसमें ही उस बांधी थी ना हमने, आराम से नहीं बैठ सकती बाहर तसल्ली से। ये देखो सिंपल कपड़ा ले, उसे साफ कर दूंगा। लो पे, लो पे, लो पे, लो पे। तुझे मैंने बांधा था, ओए कैसे पीवा जेल में बंद है। पीयू को हम यहाँ से नहीं निकालेंगे। अब भवि चैरी थक गए हैं, आराम फरमा रहे दोनों, है ना। कितना काम किया, सारा काम पीयू के, पीयू कर दिया सारा काम, है ना। तो आज हम दिवाली की साफ सफाई में लग रहे हैं। तो बस अभी चाय पीने बैठी हूँ, ये चले गए हैं ऑफिस। तो बस अभी मैंने चाय बना ली है अपने लिए, क्योंकि सुबह से चाय नहीं पी है। उठते ही मैं लगी थी साफ सफाई में, तो वो दो कमरे हो चुके हैं। आज सुबह से ही लगी हुई हूँ, तो बच्चे सो रहे थे तो वो दो कमरे मैंने कर दिए हैं अच्छे से क्लीन। और अब ये हॉल रह गया है तो हॉल को अब कर लेंगे। और पीहू की भी आज छुट्टी हो गई है क्योंकि पीहू को कोल्ड हो रखा है, तो उसकी तबीयत खराब है, तो इसलिए मैंने आज इसकी छुट्टी करा दी। मैंने कहा चल रहने दे। तो बस अभी ये हॉल को अच्छे से क्लीन करेंगे और कुछ कपड़े वगैरह भी धुलने हैं, सारे बेडशीट वगैरह सब निकाल के रख दी है। तो ये आज नहीं हो पाया तो कल करूँगी, क्योंकि सफाई का काम बहुत ज़्यादा है, खिड़की वगैरह सब है। तो बस अभी चाय पी लेती हूँ फिर लगती हूँ अपने काम में। पूरा दिन ये साफ सफाई करते करते कब सुबह से शाम हो गई पता ही नहीं चला, और बिल्कुल भी आराम नहीं कर पाई मैं। बच्चों ने मेरी पूरी हेल्प की, लेकिन ये छोटे मोटे काम ही कर पाते हैं, बच्चे ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। हर साल ये मेरे साथ होते हैं साफ सफाई करने में, लेकिन इस बार इनको छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। तो बस सोचा अब इनका इंतजार मैं क्या करूँ, मैं अपने आप ही एक काम कर लेती हूँ। और बहुत टाइम लगता है, छोटे छोटे काम इतने हो जाते हैं कि इनमें पता नहीं चलता समय कब चला जाता है। तो सुबह से शाम हो गई थी ये काम करते करते। और पीयू के हाथ में है कैमरा, पीयू बार बार मुझसे बोले जा रही थी मम्मी ऐसे करो, मम्मी वैसे करो। और यहाँ पे चैरी की चल रही है मस्ती, चैरी अपना मस्ती में लेटी हुई है, इस पर कोई वो नहीं है। ये देखिए इस पर लेटने का तरीका।
तो बस खिड़कियाँ वगैरह अच्छे से साफ हो गई हैं। कॉलिन से भवीन को साफ करेगी जो ये शीशे हैं, तो मैं जाले झाड़ने में लग चुकी हूँ और सोफे के कवर मैंने डबल बिछाए हुए हैं ताकि जो इनके अंदर की गद्दी है वो साफ रहे। तो इसमें डबल कवर बिछाए हुए हैं जो ऑरेंज कलर के कवर हैं और फिर इसके ऊपर ये वाले कवर हैं, तो बस गद्दी मेरी एकदम साफ रहती है अंदर की तरफ से। तो वो सब मैंने अच्छे से झाड़ दिए हैं। और यहाँ पे पीहू गुस्सा हो रही थी, कह रही थी कि मेरी तो आप कोई क्लिप बनाते ही नहीं हो, अपनी बनाने लगते हो, तो बस मैं इसकी क्लिप बनाने में लगी हुई हूँ। बैठी बैठी मैं यहाँ पे चाय पी रही थी, सोचा चलो इसकी भी क्लिप बना लेती हूँ। तो घर की मेरी साफ सफाई हो चुकी थी और कपड़ों का बहुत सारा ढेर हो गया था धुलने के लिए, तो सोचा चलो मैं मशीन भी लगा लेती हूँ साथ के साथ। 4 बजे मैं नहाई थी, नहाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे मशीन लगा दी है। तो बस अभी धुल रहे हैं पर्दे, और पर्दों की रिंग में मैं चुन्नी या कोई कुछ भी मैं इसमें बांध देती हूँ ताकि इनकी रिंग ना निकले, और बिल्कुल भी नहीं निकलती है। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ कढ़ी और चावल बनाऊंगी, क्योंकि कढ़ी चावल में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में, और रोटी बनाने में टाइम लग जाता है, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, बिल्कुल भी हिम्मत मेरी नहीं हो रही थी खड़े होने की। तो बस यहाँ पे मैं कढ़ी बना रही हूँ, कढ़ी में मतलब छाछ में मैं सारे मसाले इसमें डाल दूंगी, और ये है पकौड़ियों के लिए पेस्ट। तो बस अभी मैं कढ़ी साथ के साथ छौंक लगा दूंगी। तो इसमें मैंने जीरा लहसुन और लाल जो सूखी मिर्च है वो डाल दी है, और कढ़ी में ही मैंने सारे मसाले डाल दिए थे। तो ये तब तक बनती है जब तक मैं कुछ जो और कपड़े होते हैं वो भी धो लूँगी। तो बस यहाँ पे मैं कढ़ी को चला रही थी, क्योंकि कढ़ी को चलाते रहते हैं जब ये बहुत टेस्टी बनती है, और साथ के साथ मैं पकौड़ियाँ भी बना लूँगी, दोनों काम साथ के साथ हो जाएंगे। वहाँ भी मेरी मशीन चल रही थी। तो ये कढ़ी बनाने के बाद फिर मैं जो कपड़े हैं वो अच्छे से निकाल लूँगी। तो कढ़ी में देखिए उबाल आ गया है, अभी मैं इसको और रखूँगी ताकि ये और कम होए, तो बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ पे मैंने जो कढ़ी है वो दूसरे वाले गैस पे रखती थी, क्योंकि वो गैस बहुत धीमा चलता है, ये गैस तेज चलता है। तो इसमें मैं जल्दी से जल्दी पकौड़ी उतार लूँगी, और रात के हो रहे हैं 10:30 और कपड़े मेरे कुछ धुल चुके हैं, कुछ बाकी है, क्योंकि आज पूरा दिन मेरा ऐसे ही गया है साफ सफाई में। सुबह 6 बजे से मैं लगी हुई हूँ, दोनों कमरे भी आज ही मैंने साफ करे हैं। और ये देखती हूँ क्या कर रही है बेटा, कहाँ चढ़ रही है, गिर जाएगी, ज़्यादा वजन मत रख उस पर। और बैक पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं आज, और अभी कुछ मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि अगर इसमें ही लगी रहूँगी तो मैं बीमार हो जाऊँगी। और बस 10 मिनट का मुझे व्लॉग बनाना है, ये कट करके पूरा दिन का व्लॉग गया है आज। और ये देखिए कपड़े सूख चुके हैं मेरे, तो आज बहुत सारे कपड़े धुलने हैं यार, इतना काला पानी हो गया है कपड़ों का धुलने के बाद। तो बस अभी कुछ कपड़े बाकी हैं, ये हैं बेडशीट वगैरह और एक कालीन है, तो बस ये कपड़े हैं, तो मैं कल धोऊंगी इनको। सोफा के कवर हैं, सबको उठा के मैं बाथरूम में रख दूंगी, क्योंकि आज नहीं हो पाएगा। और अभी दिखाती हूँ कितने सारे कपड़े धुले हैं, तो ये देखिए आज कितने सारे ये कपड़े धुले हैं मेरे, बहुत सारी मेहनत, अभी इनको सुखाना बाकी है, ये देखिए। और यहाँ से आपको अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ का जो बेड है मैंने उस वाले कमरे में कर दिया है, तो यहाँ का बेड हमने उस कमरे में कर दिया है। पीयू मत छेड़ना, और आवाज गूंज रही है इस कमरे में क्योंकि कमरा खाली हो चुका है। तो इस वाले में ये कमरे में हो गया है बेड, 2 बेड हो गए हैं, दीवान, ये चेरी का बिस्तर है, तो चेरी भी आज से यहाँ पे ही सोएगी। और कपड़े मैंने पंखे की हवा में डाल रखे हैं।
तो देखती हूँ अगर यहाँ सूख जाएंगे, क्योंकि मशीन में सुखाए गए हैं तो सूख जाएंगे। तो बस अभी खाना खाना है, खाना खा लेती हूँ। तो चलिए ब्लॉग का एंड में यहीं करती हूँ। प्लीज़ यार सपोर्ट करो, क्योंकि पूरे दिन का जो ब्लॉग होता है एडिट करने में हालत ख़राब हो जाती है। मुझे 10-12 मिनट का ही मैं छोटा सा ही ब्लॉग बनाती हूँ, और आज का ब्लॉग 6 बजे से शुरू हो गया था, अब हो गए हैं 10:30। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कहने के लिए सब्सक्राइबर तो 4000 होने वाले हैं लेकिन व्यूज़ बहुत कम आते हैं, तो दिल टूट जाता है यार। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो फिर मैं डेली व्लॉग बनाऊंगी, वैसे भी कोशिश मेरी यही होती है। तो देखती हूँ अभी खाना खा के अगर एडिटिंग हो पाती है तो आज कर लूँगी, या नहीं तो फिर मैं कल करूँगी। अभी पंखे साफ़ करने बाकी हैं तो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि पंखे ऊँचे हैं मेरे से नहीं हो पाते हैं, इनसे ही कराऊँगी। तो चलिए व्लॉग का एंड यहीं करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।